आज 4 जनवरी 2023 को आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला मुख्यालय जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। चूंकि 7 जनवरी 2023 को माननीय अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, चाईबासा आ रहे हैं, उनके आने का प्रयोजन चुनाव है कि आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो हम लोग धरना के मार्फत उनसे सवाल रखना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। दूसरा सवाल है कुर्मी मातो को आदिवासी बनाना, माने आदिवासियों का कत्लेआम करना, असली आदिवासियों का नरसंहार करना। इन दो विषय पर माननीय अमित शाह जी को यदि कोल्हान के आदिवासियों का वोट लेना है तो इसका जवाब उनको 7 जनवरी 2023 को चाईबासा में होने वाली जनसभा में देना चाहिए। इसके अलावा तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा है कि 1 जनवरी 2023 को हम लोगों ने संताल परगना के दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह क्रांति का उद्घोष किया है कि 2023 साल में हर हालत में हम लोग को सरना धर्म कोड अर्थात प्रकृति धर्म कोड मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत इसकी व्यवस्था है। और दूसरा, हम लोगों को द्रौपदी मुर्मू पर पूरा भरोसा है। और तीसरा कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी हमको भरोसा है। तो इन तीनों मामलों पर सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो, कुर्मी मातों को आदिवासी मत बनाओ, नहीं तो असली आदिवासियों का नरसंहार होगा, और पूरे भारत देश के आदिवासियों को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करके उसके हाशा भाषा, जाति धर्म, इज्जत आबादी, रोजगार, चासबास और संवैधानिक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह या क्रांति का घोषणा कर चुके हैं। और अभी 10 तारीख को हम लोग चाईबासा में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह सभा का आयोजन कर रहे हैं, बिलाई हॉल में, जहां पूरे कोल्हान के विभिन्न आदिवासी, संताल, मुंडा, भूमिज, हो, खड़िया, उरांव आदि को हम लोग आमंत्रित किए हैं कि ये कैसे हम लोग आदिवासियों को एकजुट करेंगे, सफल बनाएंगे, इस पर नेता नीति रणनीति और कार्य योजना एक्शन प्लान आदि का विस्तार से मार्गदर्शन किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।